तो नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहु। दरअसल आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जाए तो जो 2024 की राजनीति है वो कहीं ना कहीं भाजपा और बसपा और साथ ही समाजवादी पार्टी और विपक्ष की ओर घूमती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें, BSP का गठबंधन भाजपा के साथ होगा, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आपको बताने की कोशिश करें तो मेरिस्टिक मीडिया के कई चैनलों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। आपको बताएं, इस बात की जब जानकारी बहुजन समाज पार्टी को लगी और बहुजन समाज पार्टी को इस जानकारी पता चली तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बयान बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का आया। आकाश आनंद ने इस सभी खबरों का खंडन किया और कहा कि हमारा गठबंधन भाजपा के साथ कभी भी नहीं होगा। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो वह ट्वीट क्या हुआ है वो अपनी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे। आकाश आनंद ने ट्वीट किया, बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, जिसकी एक सोच है समता मूलक समाज की स्थापना करना। आदरणीय मायावती जी के दिशा निर्देश पर बसपा तीसरा विकल्प तौर पर आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसके हताश हमारे विरोधी साम दाम दंड भेद की राजनीति इस्तेमाल करके भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। हम सभी को इसे सावधान रहने की जरूरत है। गठबंधन को लेकर BSP का स्टैंड एकदम साफ है। और आपको बताएं तो जब न्यूज चैनलों पर खबरें चली थी उसको लेकर आकाश आनंद ने इसका सफाई भी दी है। आपको बताएं तो न्यूज चैनल ने जो खबर चलाई थी वो भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा गया था यूपी में BSP से गठबंधन कर सकती है भाजपा, सपा RLD का सफाई के लिए सीटों पर तालमेल का फॉर्मूला भी तय। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है, सपा के सफाया के लिए RLD की जगह बसपा से गठबंधन की रणनीति तय की गई है। बसपा से गठबंधन के साथ सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। आपको बताएं तो मैस्टिक मीडिया का यहां तक दावा था कि बहुजन समाज पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ सीटों का भी तालमेल कर लिया है और RLD और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने की पूरी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा मीडिया में दावा किया जा रहा था। इस दावे की जब पुष्टि की गई, जब बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इसको लेकर बड़ा ट्वीट भी कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब के आदर्शों पर चलती है और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी लेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं एक मिशन है। इस बात की जानकारी लगते ही सोशल मीडिया पर बवाल आ गया है। और साथ ही आपको बताएं तो सोशल मीडिया पर जो खबरें थी, भ्रामक खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया में फैल रही है। इससे मानवर काशीराम साहब कहते थे मनी मीडिया माफिया, तो मीडिया कभी भी बहुजन समाज की पार्टियों की हितैषी नहीं हो सकती है, इससे साबित जरूर होता है। ऐसे भी लोगों की खबरें आई। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? 2024 के साथ बसपा का गठबंधन किसके साथ होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का कमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए। और 2024 में दलित को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस पर भी कमेंट ज्यादा से ज्यादा कहिए।